के असेंबली चुनाव में मतदाताओं को रिझाने और विपक्षी दल पर हमला बोलने पर अब राजनीतिक पार्टियां भगवान को माध्यम बनाने से भी गुरेज नहीं कर रही। यूपी में आज भगवान परशुराम के फरसे को लेकर सियासत गर्म है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में विगत 2 जनवरी को भगवान परशुराम के मंदिर का लोकार्पण किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे महुरा कला गांव में चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की ओर से बनाए गए इस मंदिर के सामने 68 फीट ऊंचा ये भगवान परशुराम का फरसा लगवाया गया था। विशालकाय फरसा टूटकर गिर गया है। हालांकि सपा नेता संतोष पांडे ने मीडिया को बयान देकर फरसा गिरने की बात को खारिज करते हुए कहा कि एलईडी और रेडियम लगाने के लिए उसे नीचे उतारा गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फरसे की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। आप भी देखिए नीचे गिरे भगवान परशुराम के फरसे का वायरल वीडियो। आठ दिन पहले लगवाया गया फरसा टूटकर गिरने से भाजपा ने सपा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने ट्वीट के जरिए इसे सपा के लिए भारी अपशगुन बताया है। वो लिखते हैं कि कुपित हुए भगवान परशुराम, फरसा गिरा। मंत्री बृजेश पाठक ने लिखा कि अखिलेश यादव द्वारा विद्वेषपूर्ण भावना से भगवान परशुराम जी के मंदिर में लगाए गए फरसे का गिर जाना समाजवादी पार्टी के लिए भारी नुकसान साबित होगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने फरसा गिरने को लेकर क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो गया है।